हाय दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण पाठक परीक्षा दृष्टि चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस के माध्यम से मैंने जो हमारा लेक्चर था पिछला 1857 की क्रांति पर आधारित था। हमने 1857 की क्रांति के बारे में आपसे उस दिन पूर्णतः व्याख्यान की तरफ बात किया, पूर्णतः उसके काजेज बताए, है ना, किस कारण से विद्रोह हुआ और विद्रोह का जो प्रारंभिक घटनाक्रम था उसका मूल कारण क्या था, उसका जो है तत्कालिक कारण क्या था, उसके विरुद्ध पहली आवाज बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा क्यों उठाई गई, क्या कंडीशन था, मंगल पांडे ने किस घटना को अंजाम दिया, जैसा कि मेजर ह्यूशन एंड कर्नल बाक की पर हत्या का प्रयास किया, उन्होंने हमला किया, फिर क्या उनके साथ रिजल्ट आया, किस तरीके से उनको फांसी पर खुलेआम लटका दिया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताते हुए आपको ले गया था कहाँ की तरफ, जहाँ से क्रांति स्टार्ट होती है जिसे मेरठ कहते हैं। मेरठ की मैंने स्थिति को आपसे डिस्कस किया उस दिन कि मेरठ में किस प्रकार से देसी घुड़सवार सैनिकों के साथ जो है अन्याय हुआ था और उसके विरुद्ध 10 मई को मेरठ के कैंटोनमेंट बोर्ड में, जिसे छावनी क्षेत्र कहते हैं, जहां आर्मी निवास करती है, वहां भारतीय सैनिक लगभग 2000 की संख्या में आसपास एकजुट होकर विद्रोह करते हुए जो भी ब्रिटिश समर्थक या ब्रिटिश उनके मार्ग में आए सबकी हत्या कर वह लोग रातों रात अपने साथियों के साथ पैदल ही प्रवेश कर गए, माने चले गए दौड़ते हुए दिल्ली की तरफ, पुरानी दिल्ली पहुंचकर जहां लाल किला है, भोर में माने 10 मई की रात में उन्होंने प्रस्थान किया मेरठ से पैदल ही दिल्ली के लिए, और 11 मई की भोर में माने अगली ही सुबह अर्ली मॉर्निंग वह दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए, जहां तैनात ब्रिटिश जनरल विलोवी को परास्त कर मार डाला और उसके पश्चात लाल किले पर अधिकार कर लिया, और वहां का ब्रिटिश जो झंडा था जिसे यूनियन जैक कहते, ब्रिटिश झंडे का क्या नाम था, यूनियन जैक कहते थे, यूनियन जैक निकाल कर उन्होंने बाहर फेंक दिया और उसकी जगह मुगल बादशाह का फ्लैग उन्होंने फहरा दिया और भारत का सम्राट उन्हें ही घोषित कर दिया। भाई औपचारिक रूप से वही थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वह वृद्ध थे, 82 साल की उम्र थी, उनका सिर्फ जो है नैतिक समर्थन ही पर्याप्त था। अब उनके सपोर्ट के लिए जनरल बख्त खान को नियुक्त किया गया कि आप उनके कमांडर के सहयोगी कमांडर के रूप में आप कार्य करते रहेंगे, और दिल्ली में लगभग 4 से 5 महीने तक ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से वहां नियंत्रण के प्रयास में काफी समय लगाया। सितंबर महीने माने मई से विद्रोह हुआ, 11 मई में दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकल गई 1857, और जाकर वो 20 सितंबर 1857 के आसपास दिल्ली को रिकवर कर पाए हटसन वगैरह के नेतृत्व में, नील वगैरह के नेतृत्व में, लेकिन फिर भी वह रोल मॉडल बन गया। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसके पश्चात भारत में क्या हुआ, तो आज जो मेरी चर्चा का विषय है इस खंड में पार्ट 2 के तहत हमारा जो चर्चा का विषय है वह है कि इसकी इस क्रांति की योजना बनी भी थी अथवा नहीं बनी थी, है ना, योजना निर्माण माने इसे आप क्वेश्चन मार्क में भी ले सकते हो, था भी ऐसा अथवा नहीं था। तो देखिए, अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इसमें योजना का अभाव था, माने इसमें कोई योजना बनी ही नहीं पाई थी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, एक बड़े ही प्रसिद्धित तो माने रेपुटेटेड हिस्टोग्राफर हैं, इतिहासकार हैं, जिनका नाम है माने सर सुंदरलाल जी का कहना है कि नहीं, इस क्रांति की योजना तैयार की गई थी लंदन, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, लंदन अथवा बिठूर में। सर सुंदरलाल, इतिहासकार सर सुंदरलाल का स्टेटमेंट है यह कि इसकी योजना बनी थी, इतिहासकार सर सुंदरलाल, सर सुंदरलाल ने कहा कि इसकी योजना बनाई गई थी, क्रांति की योजना दो स्थान पर, इनका कहना था कि
कि यह लंदन में बनाई गई अथवा कानपुर में बनाई गई, आर कानपुर, है ना। और इन्होंने तो यहां तक निष्कर्ष निकाला कि यह लगभग 31 मई की तिथि भी इसमें निर्धारित थी, इसकी जो तिथि निर्धारित थी 31 मई 1857 की तिथि निर्धारित थी, लेकिन वह सफलता नहीं मिल पाई, वह आगे चली गई। अब देखिए विस्तार अभी मैं शेयर कर रहा हूं, फिर परिणाम और महत्व भी मैं इसका बताऊंगा, तब जाकर के वास्तविक रूप से आप पूर्णतः इस क्रांति के पोर्शन को तैयार कर पाएंगे और इससे बनने वाला किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, वो यूपीएससी में आए अथवा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आए, किसी भी, चाहे वो यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड, माने हिंदी भाषी इलाके में जहां भी आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस टॉपिक का, ये दोनों टॉपिक का अध्ययन करने के पश्चात फिर आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, इससे बनने वाले जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा सब आप सॉल्व करने में सफल हो जाओगे। ध्यान से अब देखिए, सर सुंदरलाल जी का कहना था कि लंदन अथवा कानपुर में इसकी योजना बनाई गई, इनके अनुसार देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा सतारा महाराष्ट्र में, सतारा के राजा के मंत्री, मंत्री रंगोजी बापू, रंगोजी बापू एवं कानपुर, कानपुर में, मैंने कानपुर के बिठूर में, कानपुर के बिठूर में निर्वासित, निर्वासित मराठा पेशवा, मराठा पेशवा बाजीराव दूती, बाजीराव दूती के दत्तक पुत्र नाना साहब, नाना साहब को धोंदू पंत भी कहा जाता, धोंदू पंत के सहयोगी अजीमुल्ला, अजीमुल्ला खां, माने इनका यही कहना था, सर सुंदरलाल जी का यह स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिए, जो इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार हैं, रेपुटेटेड इतिहासकार हैं, इनका यह कहना है कि इसकी योजना लंदन अथवा कानपुर में बनाई गई और इस योजना के पीछे सतारा के राजा की भी सत्ता छीन लिया था डलहौजी ने, है ना, और नाना साहब की भी पेंशन डलहौजी ने रोक दी थी। तो अब इन लोगों ने ब्रिटेन के महाराजा से मिलने गए थे कि हमारी पूर्वज सुविधाएं बहाल की जाए, तो सतारा के राजा के मंत्री रंगोजी बापू गए थे लंदन, और कानपुर में बिठूर में जो रह रहे थे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब अथवा धोंदू पंत, इनके सहयोगी अजीमुल्ला खां भी लंदन गए थे। वहीं पर दोनों के, दोनों की मांग को अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खां की मुलाकात हुई और वहीं पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई गई, ऐसा कहना है सर सुंदरलाल जी का। अथवा अथवा यही दोनों वहां से निराश होकर कानपुर आए, नाना साहब के साथ मिलकर बातचीत की और योजना का माने अगला चरण निर्धारित किया कि अब हम अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार से आवाज उठाएंगे। तो नाना साहब ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को, माने झांसी और ग्वालियर की अधिकारिणी जो थी, उधर उन्होंने अपने प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, उन्हीं को लक्ष्मीबाई के पास भेजा और उन्हीं तात्या टोपे को उन्होंने अवध की महारानी, माने लखनऊ में जो रहती थी, बेगम हजरत महल के पास भेजा और इन्होंने एक गठबंधन बनाया कि अब हम लोग मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और अपना पुराना गौरव प्राप्त करेंगे। तो ये सर सुंदरलाल जी का कहना है और इनके अनुसार
इसके लिए तिथि 11 मई सॉरी की नहीं बल्कि इसकी तिथि 31 मई की निर्धारित की गई थी, लेकिन सैनिकों ने पहले ही विद्रोह कर दिया, इसलिए इनको अपनी योजना को परिवर्तन करना पड़ा और उसके तहत उन्होंने और भी प्लानिंग अलग से बनाई। अब इन्हीं सर सुंदरलाल जी ने इस घटना के लिए माने इन्होंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार के लिए दो प्रतीक चिन्ह बनाए। क्या? दो प्रतीक चिन्ह बनाए। चिन्ह इन्होंने क्या निर्धारित किया? कहा कमल का फूल एवं रोटी, ये दो प्रतीक चिन्ह थे क्रांति के। एक बार ये सीधे आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सीधे आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल का फूल और रोटी था। दरअसल इसमें कॉन्सेप्ट ये था, इसमें आइडियोलॉजी जो छुपी थी, क्या करते थे लोग, जिन राजाओं का राज्य हड़पा गया था उनके राजाओं के पास अपने प्रतिनिधि भेजकर कमल का फूल दिया जाता था और उसमें एक मैसेज छुपा होता था कि यदि हम लोग एकजुट हो गए, जिस तरीके से हमने योजना बनाई है, एकजुट हो गए तो निश्चित है जो आपका कमल मुरझा गया है, जो कीचड़ में दब गया है, वह पुनः खिल जाएगा, अर्थात आपको अपना राज्य पुनः वापस मिल जाएगा। तो कमल का फूल उन राजाओं के लिए मैसेज था जिनकी सत्ता हड़प ली गई थी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के द्वारा, है ना। अब गांव के सरपंचों को, गांव के प्रमुखों को रोटी का चिन्ह पहुंचाया जाता था। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा था? क्योंकि देखिए, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा लोग माने अकाल ग्रस्त थे, लोग मर रहे थे भूख प्यास से, तो उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए, माने उन्हें देखिए कितना सिंबल जो था, जो सिंबॉलिक मैथोलॉजी बनाई गई, उसके जरिए मैसेज छुपा था कि यदि रोटी पुनः पाना है तो आपको एकजुट होना होगा, हमारे साथ आना होगा, और यदि आप हमारे साथ मिल जाते हो तो पुनः रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। तो ग्राम के प्रमुखों को जो अंग्रेजों से नाराज थे उनके पास रोटी का चिन्ह पहुंचाया गया कि एकता बनाइए, रोटी पुनः हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी, भूख प्यास से हम नहीं मरेंगे। और कमल का फूल उन राजाओं के लिए था जिनकी सत्ता छीन ली गई थी। यह सर सुंदरलाल जी का निष्कर्ष है कि तिथि 31 मई निर्धारित थी, लेकिन सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण पहले ही विद्रोह कर दिया। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में शेयर कर चुका हूं कि भाई किस प्रकार मंगल पांडे बैरकपुर छावनी और किस प्रकार जो है कदम सिंह जैसे सैनिकों के नेतृत्व में मेरठ में विद्रोह होता है, तो वो चीज आपने पहले ही देखा है। तो ये योजना निर्माण से रिलेशन क्वेश्चन मैंने बताया। अब हमारी अगली कड़ी, इसके पश्चात यह कहां तक विस्तार हुआ, भारत के कौन कौन से क्षेत्र क्रांति के विशिष्ट क्षेत्र माने गए और किस क्षेत्र में क्रांति पनप नहीं पाई और उसका रीजन क्या है, आइए एक प्रयास मेरा है आपके लिए कि कौन कौन से एरिया में बेहतर इसका विस्तार हुआ और कहां पर सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा था कि मानो वास्तव में पूरी तरीके वहां पर क्रांति हो गई है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि क्वेश्चन कई बार हमने एग्जाम में देखे हैं कि किन क्षेत्रों में क्रांति का प्रभाव अधिक रहा भारत के और किन क्षेत्रों में क्रांति लगभग पनप ही नहीं पाई, तो वो किस कारण से, उसकी तो बात मैं बाद में शेयर आपसे करूंगा। पहले आप आइए क्रांति का प्रसार माने विस्तार क्षेत्र। तो देखिए थोड़ा सा मैपिंग का सहारा मैं ले रहा हूं आपके लिए, है ना, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। उम्मीद है कि आप इससे अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा बना लेंगे, है ना, क्योंकि हिस्ट्री में जब मैप जुड़ जाता है तो उसकी जो है लर्निंग क्षमता
स्टूडेंट्स की बढ़ जाती है, तो ये पूरे के पूरे मैं भारत, पुराने भारत की मैंने बात किया। तो देखिए जो क्रांति का यह इलाका था, यहां पर ये बंगाल, बंगाल क्षेत्र में सैनिक विद्रोह हुआ, सैनिकों ने ज्यादा विद्रोह किया, सैनिक किसान, सैनिक विद्रोह, किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया, किसानों ने साहूकार माने जो सूदखोर थे के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है। ये एरिया ऐसा था। और ये जो मैंने मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पूर्वी बिहार है जहां आरा बक्सर वगैरह है, वहां से लेकर पूरा अवध क्षेत्र, माने यूं आप यूपी को लेते हुए, पश्चिमी यूपी जोड़ते हुए दिल्ली के आसपास तक है ना, ये इलाका ग्वालियर झांसी पूरा लेता हुआ, यह माने अवध, अवध क्षेत्र सर्वाधिक, सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र था। सक्रियता से मतलब क्रांति के लिए सक्रिय क्षेत्र था, सबसे ज्यादा सक्रिय क्षेत्र यही माने दिल्ली, पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र लेते हुए बलिया वगैरह से होते हुए आरा बिहार तक बहुत ही इसका जबरदस्त रूप से विस्तार हुआ था। और यहां अंग्रेजों की सत्ता लगभग लगभग साल भर के लिए खत्म हो गई थी। तो यह बड़ा प्रयास था अंग्रेजों के लिए, बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यही वो अपना बफर स्टेट बनाए थे, ठीक है। उन्होंने अवध क्षेत्र को ही बफर स्टेट बनाया था और वहीं पर इस प्रकार से आवाज उठ गई। अब ये सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र, अब मैं आपको यहां पर एक लिस्ट देना चाहता हूं कि किन क्षेत्रों में क्रांति का प्रसार कम से कम था, तो मैं उसकी मैं बात आपसे कर रहा हूं, ठीक है। यहां सैनिकों ने भले विद्रोह किया लेकिन बंगाल क्षेत्र में सामान्य विद्रोह नहीं हो पाया था, संक्रमित क्षेत्र, विद्रोह का प्रसार नहीं हो सका, ऐसे क्षेत्र जहां विद्रोह का प्रसार नहीं हो सका। तो देखिए सैनिकों ने भले बंगाल में विद्रोह किया था लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां सामान्य विद्रोह नहीं हुआ जिस प्रकार अवध में हुआ, अवध में होने के अलावा पंजाब में नहीं हुआ, ठीक, बंगाल में कम हुआ, सैनिकों का विद्रोह रहा। और इसी प्रकार राजपूताना, ठीक है, पटियाला रियासत, पटियाला, जींद रियासत है ना, जींद रियासत, हैदराबाद, हैदराबाद, मद्रास, ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पर क्रांति का प्रसार बहुत अधिक नहीं हो पाया। हैदराबाद, मद्रास आदि क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्रांति का प्रसार, अब आपको एक मैप के जरिए मैं दिखाता हूं, ये इलाका, ये जहां पर इसका सक्रिय रूप से प्रसार, मैंने छुटपुट प्रयास हुए, ऐसा नहीं कह सकते कि आप पूरी तरीके साइलेंट मोड पे चला गया था, लेकिन फिर भी यह इलाका है जहां पर प्रसार लगभग नथिंग था। क्यों, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंग्रेजों का इन इलाकों पर जबरदस्त रूप से कंट्रोलिंग बनी हुई थी जहां पर क्रांतिकारी डेवलप नहीं हो पाए। हां, सर्वाधिक इलाका यहीं पर सबसे अधिक सक्रियता थी और इसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा शोषण इसी जोन में दिखाई देता है, सैनिक भी इसी जोन के सबसे ज्यादा थे, सर्वाधिक अंग्रेजों ने यहीं के उत्पादन को कैप्चर किया था, यहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था। दूसरी चीज, महाराष्ट्र के जो राजा थे
माने राजा क्या पेशवा की हैसियत में थे, बालाजी बाजीराव को उठाकर उनके दत्तक पुत्र के साथ इसी कानपुर के विठूर में फेंक दिया गया था, यहीं पर उनको विवश कर दिया रहने के लिए। शुरू में 50,000 रुपये पेंशन दी जाती थी, बाद में उसको भी रोक ली गई, तो बड़ी स्थिति खराब थी। तो ये वही क्षेत्र है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का इलाका था, उनका भी राज्य छीन लिया गया था। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर बेगम हजरत महल का इलाका था, जहाँ उनका क्षेत्र छीन लिया गया था। ये वही क्षेत्र है आरा बिहार का, जहाँ के कुंवर सिंह का जगदीशपुर के प्रॉपर जमींदार थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर सर्वाधिक अंग्रेजों का अत्याचार हुआ था। तो अत्याचार के विरुद्ध ही तो रिएक्शन था। वैसे भी मैंने पहले पिछले वीडियोज में मैंने आपको समझाया था कि यह क्या है, यह लगातार 100 वर्षों के शोषण का परिणाम है, जिसकी वजह से अत्याचार हम भारतीयों से सहनीय नहीं हो पाया, जिसके विरुद्ध हमने आवाज उठाई थी। तो इस मैप के जरिए आप यह बात समझ गए होंगे कि इन क्षेत्रों में प्रसार नहीं हो सका। यह वो बेल्ट है जहां अंग्रेजों का सिकंजा बना रहा, अंग्रेजों के सहयोगी राजा बने रहे। ध्यान समझिए, एक ऐसा भी चीजें यहां दिखती है कि बंगाल के सैनिक जहां विद्रोहियों का इनडायरेक्ट साथ दे रहे थे, वहीं पंजाब मद्रास राजपुताना के भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ मिलकर ही क्रांतिकारियों को मारने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बड़े ही दुखद स्थिति है, लेकिन उस समय के भारत का यही दृश्य है। और इसमें अब एनालिसिस इसलिए आपको इतिहास के माध्यम से करा रहे हैं हम लोग कि भविष्य में ऐसी कोई गलती न होने पाए। इतिहास पढ़ाने का, इतिहास विषय बनाने का मोटो ही यही है कि हम अपने पास्ट से चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ें और इन फ्यूचर एक जबरदस्त भारत का निर्माण करें कि जिस पर किसी भी प्रकार की विदेशी आंच ना आ पाए, जहां पर विभाजनकारी प्रवृत्तियां ना हो बल्कि राष्ट्रीयता की भावना हो, एकीकरण की भावना हो, चाहे जिस भी जाति धर्म के लोग हों, लेकिन इस इतिहास से सीखें कि यदि हम अलग रहे तो इसी प्रकार से तांडव किया जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो ये बात आपने बेहतर तरीके से समझ ली होगी जहां तक मेरा मानना है। और इस पूरे कवरेज को, माने क्रांति भारत में किस तरीके से प्रसार हो रहा था, कवरेज दे रहा था एक माने न्यूज़पेपर वहां लंदन का था, लंदन टाइम्स, है ना, लंदन टाइम्स का पत्रकार माइकल रसेल, इस नाम को जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाएगा। तो ये माइकल रसेल यह ऐसा बंदा है जो कवरेज दे रहा था इस पूरी क्रांति को, माइकल रसेल, इस नाम को रखिए, किसी भी एग्जाम में आपको फंसा देगा आकर, है ना। तो माइकल रसेल वह ब्रिटिश पत्रकार है जो लंदन टाइम्स का संवाददाता था, और इसने क्रांति की पूरी कवरेज देते हुए लंदन में इसकी सूचना लगातार भेजी थी। उसने आज जैसा ऑनलाइन माध्यम नहीं था, लाइव नहीं कर पा रहा था, लेकिन चीजों को डिनोट करके, नोट कर करके वहां पे पत्र के माध्यम से भेजा करता था। ठीक है, तो यह वह दृश्य है किस प्रकार से विस्तार हुआ। अब इसमें कुछ चीजें यह भी आती हैं कि कहां से कौन क्रांति का नेतृत्व करता था। तो मैं आपको एक सामान्य जानकारी अभी देने का प्रयास किया कि बक्सर आरा जगदीशपुर से बिहार वाला जो इलाका है वहां से कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह किया। इसी प्रकार मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि अभी बताया बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, उन्हें अवध क्षेत्र में एक बड़ा ही और क्रांतिकारी मिला, मौलाना मौलवी अहमद उल्लाह। इस क्षेत्र में अब थोड़ा सा यहां पे इरेज करूंगा मैं, जिससे आप और बेहतर तरीके समझ पाएं। तो माइकल रसेल आप समझ गए होंगे, माइकल रसेल को आप ध्यान जरूर रखेंगे। देखिए अवध क्षेत्र में बेगम हजरत महल, जो बेगम हजरत महल थी, यह अपने बेटे, नाबालिग बेटे बिरजिश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर उसकी संरक्षिका बन गई थी, है ना। बिरजिश कादिर नवाब वाजिद अली शाह की यह पत्नी थी, इन्हीं को महकपरी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, महकपरी की उपाधि, ये इनकी उपाधि थी, महकपरी इन्हें कहते थे। और इनका नाबालिग पुत्र कौन था,
नाबालिग पुत्र बिरजीश कादिर, बिरजीश कादिर, ठीक है, इसी को घोषित कर दी थी। अब इनका सहयोग नाना साहब कर रहे थे लगातार, नाना साहब के प्रसिद्ध सहयोगी तात्या टोपे इनके इलाकों में आकर सहयोग कर रहे थे, तो इनके सहयोग से हुआ। और इस अवध क्षेत्र में बड़ा नेता और मिला जिसका नाम है मौलवी अहमद उल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह। ये मौलवी अहमद उल्लाह हैदराबाद के मूल निवासी थे, इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। मौलवी अहमद उल्लाह इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया पूरी तरीके से। तो ध्यान दें, हाँ ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, ये देखो मौलवी अहमदुल्ला जो थे, यहां आप ध्यान दीजिए, ये सबसे ज्यादा सिरदर्द बन गए अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज इनसे इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, ये पूरी तरीके आज के फैजाबाद माने अयोध्या इलाके से लेकर लखनऊ तक बेगम हजरत महल को ये सपोर्ट किया करते थे, और इनसे अंग्रेज इतना परेशान था कि उस समय माने 1857 में 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी कि इन्हें जो पकड़वाने में जिंदा या मुर्दा मदद करेगा उसे 50,000 रुपए, जरा 1857 की बात समझिए। तो ये उनकी पीड़ा दर्शाती है और हम भारतीयों के लिए प्राउड की बात है, गौरव की बात है कि हमारे यहां ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। ठीक है, इसी प्रकार की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, महारानी लक्ष्मीबाई की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को इस कदर हैरान किया, इस कदर परेशान किया कि अंग्रेज पूरी तरीके ताकत लगाकर उन्होंने जो है ग्वालियर के सिंधिया को अपनी तरफ मिलाते हुए महारानी लक्ष्मीबाई का पक्ष कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस वीरांगना ने कभी भी हार नहीं मानी और शस्त्र उठा लिया। भाई जैसा कि सामान्य जी के आपको पता है कि उनका जन्म का नाम मनु था, छबीली छबीली कही जाती थी, बचपना बड़ा ही प्यार से गुजरा, वाराणसी काशी घाट पर उनका जन्म हुआ था, है ना, वहीं उनके माता पिता रहा करते थे। तो वह अपने जो है जीवन को बड़े अच्छे से जिया, महारानी के रूप में उन्होंने जो है जीवन प्रारंभ भी किया था, तब तक अंग्रेजों का आगमन हो गया और उन्होंने उनकी सत्ता को छीनने का प्रयास किया, तो उन्होंने शस्त्र उठाया और अंततः इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। मृत्यु शहीद होने के पश्चात उनसे लड़ने वाले जो कमांडर्स थे पसीने छूट गए उनके, है ना, और आपको बताऊं सबसे मुख्य कमांडर जनरल ह्यूरोज जो ग्वालियर और झांसी पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा था, इनकी मृत्यु शैया पर इनको पड़े हुए देखकर एक कमेंट्स किया था, वो कमेंट्स का मेरे अनुसार तो कॉम्प्लीमेंट है। उसने कहा था कि यहां सोई हुई महिला माने मृत्यु के पश्चात वह मरी हुई नहीं कह पाया, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया, कहा यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह स्टेटमेंट किसी अंग्रेज के निकले, भारतीयों के लिए तो यह प्राउड की बात है, यह कॉम्प्लीमेंट की बात है, यह कमेंट तो हो ही नहीं सकता कि यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना के लिए यह उचित श्रद्धांजलि होगी कि उनका इस प्रकार से चर्चा किया जाए। तो आप इसे बेहतर तरीके समझ चुके होंगे, नाना साहब की बात रही, नाना साहब ने इस पूरे क्षेत्र को छीन कर अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस इलाके में अवध और झांसी में 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ, जबकि कानपुर में 5 जून को विद्रोह की आंधी आ गई। और कहते हैं कि नाना साहब ने एक बड़ा ही धोखे की घटना की थी, मैं तो कहता हूं धोखा किस बात का जी, जो धोखेबाज है ही है अंग्रेज, उनमें क्या धोखा, कुछ भी तरीके से उन्हें चोट पहुंचाना उद्देश्य था, वो धोखा हो चाहे जो, अंग्रेज ऐसी कौम ही थी कि धोखे से जब हमारी यहां सत्ता छीन लिया तब उनके साथ जो कर पाए कुछ भी धोखा नहीं, सब लीगल है। एक सती चौरा कानपुर में गंगा के किनारे का गांव है, कहते हैं कि वहां पर अंग्रेजों ने नाना साहब
से जब हार गए वो अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने वहाँ सरेंडर कर दिया और कहा कि हमें वापस, हमको यहाँ से निकल जाने दीजिए। तो नाना साहब ने सत्ती चौरा में उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जैसे ही बीच गंगा में पहुँचे उसी समय नाना साहब की सेनाओं ने चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर दिया। उसमें कुछ ब्रिटिश सैनिक, महिलाएं, बच्चे सब मारे गए। तो ब्रिटिश इतिहासकार खूब हाय तौबा इसको मचाए कि भाई बड़ा ही अन्याय किया, अत्याचार, कलंक है। मैं कहता हूँ कोई अन्याय नहीं है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए भारतीयों को जगह जगह से मैंने सत्ता से हटाया, ये उनके साथ उचित व्यवहार था। ये इसी तरीके से न जाने कितनी बार किए हैं उन्होंने, ये कुछ भी नहीं घटना। तो सत्ती चौरा की घटना कानपुर की घटना है, जो तथा कथित कुछ इतिहास का साम्राज्यवादी सोच वाले कहते हैं नाना साहब के जीवन पर कलंक था, कुछ नहीं कलंक है, वो वीर था, योद्धा था बंदा, और उसी ने दिलेरी दिखाई, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और अंत तक लड़ता रहा। अंग्रेज नाना साहब और बेगम हजरत महल को गिरफ्तार नहीं कर पाए, यही दोनों नेपाल चले गए। नेपाल तीन लोग गए थे, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, क्रांति के योद्धाओं में नेपाल तीन लोग गए, लखनऊ की महारानी बेगम हजरत महल और नाना साहब धोधुपन जिसे कहा जाता था, पेशवा के दत्तक पुत्र, और तीसरे तात्या टोपे, जिन्हें जिनका मूल नाम महाराष्ट्र के थे, वो रामचंद्र पांडुरंग था। ये लोग नेपाल जाने में सफल हुए थे, लेकिन तात्या टोपे दुर्भाग्य से जिस मानसिंह दोस्त के यहाँ अपने यहाँ टिके हुए थे, उसने अंग्रेजों को खबर दे दी धन लेने के चक्कर में, विश्वास पात्र, तो भाई तात्या टोपे को पकड़ लिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई 1859 में। शेष रानी बेगम हजरत महल और नाना साहब गुमनामी में नेपाल में शहीद हो गए, हालांकि अंग्रेजों की पकड़ में कभी भी नहीं आए। तो ये मैं इन क्रांतिकारियों की चर्चा कर रहा था, तो जिससे आपने इसका विस्तार क्षेत्र समझ लिया होगा और बेहतर तरीके से इसकी जानकारी आपको हो गई। अब क्रांति का माने महत्व एवं परिणाम, थोड़ा सा मैं आपको महत्व एवं परिणाम भी शेयर कर दूं, जिससे आप कभी भी इसमें गलती न करें। तो ध्यान से समझिए। तो देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है ये हम भारतीयों की गौरव गाथा, ये पहला ऐसा अवसर था कि जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध रिएक्ट करते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रहे, कुछ ही समय तक के लिए, कुछ ही क्षेत्रों में, लेकिन ये तो तय हो गया कि अंग्रेज अजेय नहीं है, उन्हें परास्त किया जा सकता, उन्हें हराया जा सकता है, बस मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं परिणाम, महत्व एवं परिणाम, है ना। तो पहले परिणाम फिर महत्व की बात करता हूं, ठीक है। परिणाम देखिए, बड़ा ही विवादास्पद शब्द मैंने लिखा हुआ क्रांति के परिणाम को लेकर। कुछ कहते हैं क्रांति असफल रही, लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, क्रांति पूर्ण सफल नहीं हुई। असफल शब्द तो मूर्खतापूर्ण शब्द है। परिणाम मन चाहा नहीं मिला, लेकिन बदलाव करने में सफल रहा। मैं इस शब्द से सहमत हूं, क्रांति का परिणाम क्या हुआ, क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हुई। तो इसमें सफलता छुपी है, असफलता नहीं है, क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हुई। यह शब्द यह कहता है कि सफलता काफी मिली लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुई। अब यह मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं इसे प्रूफ करूंगा, अभी मैं आपको इसके महत्व को बताते हुए इसे मैं प्रूफ कर दूंगा कि क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हुई, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए, क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हुई तो क्या हुआ, इससे महत्व क्या हुआ, महत्व क्या हुआ क्रांति का, ब्रिटिश भय भारतीयों के मन से निकल गया, ब्रिटिश भय भारतीयों के मन से निकल गया, है ना। पहला महत्व। दूसरा महत्व, ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन हुआ, यह महत्व है, परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ यह भी मैं बता दे रहा हूं आपको। परिवर्तन में 1858
का एक्ट पारित हुआ, एक्ट पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी, का भारतीय शासन, समाप्त हो गया। यह भी परिणाम रहा, यह भी महत्व रहा। और क्या हुआ, भारत में साम्राज्य विस्तार, मान ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, पर रोक, यह भी महत्व रहा। आंतरिक मामलों में, हस्तक्षेप बंद हुआ, ठीक है। भारत का शासन, यहां भी समझिए, महत्व में ही लीजिए, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के अधीन, क्राउन से मतलब यहां क्या है, पार्लियामेंट लिखा जाए तो भी बात वही है। तो ये सारे महत्व रहे, अंग्रेज अपनी नीतियों को बदलने में मजबूर हुआ। और हम कहते हैं क्रांति सफल नहीं हुई, इतना बड़ा परिवर्तन होना कि साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा देना, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप रुक जाना, भारत क्या शासन प्रणाली में बदलाव हो जाना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडियन काउंसिल कहते हैं, उसका अध्यक्ष जो सेक्रेटरी बनाया गया, सचिव बनाया गया, भारत सचिव कहा जाता था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, माने ब्रिटिश संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। भारत का शासन अब क्राउन के नाम से, माने ब्रिटिश राजा के नाम से चलाया जाएगा, संसदीय चर्चा के द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। 15 सदस्यीय जो भारत परिषद बनाई गई, जिसमें क्राउन के 8 मेंबर और 7 मेंबर, माने 8, 7, 15 होता है, 8 and 7, 15, तो 8 क्राउन के मेंबर सरकार द्वारा नियुक्त होते थे और 7 कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंट होते थे। तो इससे क्या है, माने 8 और 7 मेंबर, तो इस प्रकार से भारत के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। अब वैसे भी भारतीयों की डिमांड थी कि हम सीधे सीधे ब्रिटिश राजा की रैयत होना चाहते हैं, हम सीधे सीधे उनके अंडर जाना चाहते हैं, ये कंपनी के अंडर में ही जाता है, क्योंकि कंपनी हमारा शोषण कर रही है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तो इतना बड़ा परिणाम आया और हम ये कहते हैं कि जो है ये असफल हो गई, बिल्कुल असफल नहीं। असफलता के कारण हम स्वयं भारतीय हो सकते हैं, क्योंकि हमने पूर्णतः एकजुट होकर के क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस माइलस्टोन को स्थापित करने में सफल हो गए कि अंग्रेज दुर्जेय नहीं है, अजय नहीं है, इसे यदि हम संगठित हो गए तो इसे हराया जा सकता है। और वह नींव पड़ गई जो आगे चल करके संगठित रूप से संघर्ष का आधार बनी, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ अन्य पार्टियों की स्थापना हो जाना और उसके पश्चात अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित रूप से संघर्ष करना और अंततः देश की आज़ादी प्राप्त करना, यह बिना क्रांति के संभव नहीं थी, ठीक है। तो आज मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आप क्रांति के पूरे सेगमेंट्स को समझ चुके होंगे और नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कराकर इससे बनने वाले सारे प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे किसी भी परीक्षा में दिक्कत आपको ना आए। और आप जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ने का प्रयास करें परीक्षा दृष्टि के चैनल से, जिससे हम आपको बेहतर सेवाएँ देने में सफल हों, अतिशीघ्र हम अपना कैश कोर्स आरम्भ कर सकें। थैंक यू वेरी मच।